अगेन गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जो भी टाइम हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप मेरा अभिवादन स्वीकार करें नमस्कार स्वीकार करें और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा फिजिक्स अराउंड मी जो कि पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं और इसका जो टारगेट है वो है माइक्रोफोन क्वेश्चन इज व्हाट इज माइक्रोफोन अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको आप दबाएं तो आप जो भी अपलोड्स हैं जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपने जस्ट सब्सक्राइब किया है एंड देयर इज नो यूज ऑफ इट राइट तो आप उस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें उसको जरूर दबाएं तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अदरवाइज तो सब्सक्रिप्शन का कोई फायदा नहीं है तो जैसे टारगेट मेरा यहां मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं कि फिजिक्स अराउंड मी के अंदर मैं वो कुछ टॉपिक सेलेक्ट करूंगा कुछ वो एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स सेलेक्ट करूंगा जहां हम लोग एक सिंपल फिजिक्स का प्रिंसिपल यूज करते हैं राइट तो हियर द टारगेट इज माइक्रोफोन एज आई टोल्ड यू सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज माइक्रोफोन माइक्रोफोन क्या है माइक्रोफोन को एक्चुअली आर ए टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर राइट विच कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी राइट अभी जैसे मैं बोल रहा हूं और मैं कैमकॉर्डर यूज करता हूं तो कैमकॉर्डर का जो फ्रंट माइक है वो मेरी साउंड को रिकॉर्ड करता है एंड कन्वर्ट दैट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट इज द करंट सो व्हाट इज माइक्रोफोन माइक्रोफोन इज ए ट्रांसड्यूसर What does it means? A transducer basically what it does? It basically converts sound energy into the electrical energy. You got my point? Electrical energy. That means analog signal. You know What are these sound waves? Sound waves are longitudinal waves. Longitudinal wave. Sound waves are longitudinal waves. Longitudinal waves means what? For an example like this time, मैं जैसे बोल रहा हूँ आपके साथ interact कर रहा हूँ, तो जो thrust है of the air from my mouth. राइट ये जो मैं प्रेशर डालता हूं जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल पे तो वहां वो वाइब्रेट करते हैं लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन आपकी डायरेक्शन में ये वाइब्रेशन पार्टिकल का इस टाइप से है और क्योंकि यहाँ मेरे माउथ के पास में जो पार्टिकल हैं उनका वाइब्रेशन ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू योर पॉइंट राइट जहां कैमरा है या मैं और दूर कोई डिस्टेंस कंसिडर करूं तो जो वाइब्रेशन है वो छोटा छोटा होता जाएगा राइट तो ऑब्वियस है कि साउंड जो है वहां पे कम सुनाई पड़ेगी तो साउंड वेव्स जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब ये हुआ कि जो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल है राइट वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करती है ये सिंपल आइडिया है ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ये वेव्स कैसे क्रिएट होती हैं ये थ्रस्ट है एक्चुअली फोर्स जो हम लोग अप्लाई करते हैं ऑन द मॉलिक्यूल्स पार्टिकल ऑफ द एयर वो वाइब्रेट करते हैं और उनके वाइब्रेशंस से हम लोगों को साउंड सुनाई पड़ती है राइट गॉट द आइडिया फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स दिस इज द कांसेप्ट ऑफ साउंड वेव्स साउंड एनर्जी नाउ How you can convert sound energy into the electrical signal, that is the point. Here, electrical energy is an analog signal, that is the current. So, in microphone, what happens basically, we transform the sound energy into the electrical energy. Right? So, In microphone, what is happening? What is microphone?
Microphone is a transducer which converts sound energy into the electrical signal. Right? And here I have explained the idea of sound waves and the electrical signal. Right? But in the microphones, there is one common thing, that is the diaphragm. Right? So in the next video, I will discuss the type of microphone. Right? So how many types of the microphone? So that is the point of next video. Connection mein rahiye, subscribe kariye aur bell jo icon hai usko push kariye to aapko notification milta rahega. And keep in touch. Aur jo bhi aapka koi agar next point hai ya koi next concept hai ya koi application jo aap apni daily life mein use karte hain aur chahte hain ki uski explanation physics principle ke base pe ho, you can suggest that point. So thanks.